बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शुरू होने वाला है जी, और उसके बाद ईद भी आने वाली है। तो मकतबे अमल यानी कि निज़ाम, अच्छा मेरे दाएं हाथ की हथेली में खारिश हो रही है लगता कोई रकम वगैरह आने वाली, ये बातें बनी हुई हैं जी, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। तो बात यह है जी कि ईद उल फितर भी आने वाली है, और ईद के ऊपर आपको पता है छुट्टियाँ भी होती हैं, खासकर जो मेरे भाई कंपनीज में काम करते हैं उनकी तो मौजें लगी होती हैं, चार पाँच छुट्टियाँ हो जाती हैं, अगर जुम्मे भी दरमियान में आ जाए तो एक मज़ीद बढ़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर बात करें जो आज़ाद काम करते हैं वो भी ईद के ऊपर छुट्टियां करते हैं, लेकिन ये जो निज़ाम अमल की तरफ यानी कि मकतबे अमल की तरफ से बोल रहे हैं आप, ये जो ट्वीट की गई है मैं आपको यहाँ पर साथ में दिखा भी रखा हूँ और आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। अभी से ये बता दिया गया है इस चीज़ के ऊपर, तो मैंने बोला आप भाई के साथ भी यानी कि ये न्यूज़ शेयर कर दूँ। बात ये है जी कि ईद की छुट्टियों के दौरान, ईद की छुट्टियों के दौरान जैसा कि आपको पता है गर्मी में 12 बजे से 3 बजे काम के दौरान भी फाइन होता है पर पर्सन के हिसाब से। कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनीज को होगा, अगर किसी कफील के अराउंड में कफील को होगा, अगर आप आज़ाद भी काम करते हुए पकड़ेगा तो आपके कफील के नाम के ऊपर वो जमाना जाएगा, वो कफील आपसे बाद में लेगा, इसके मतलब आपको बाखूबी इलम है। तो बहरहाल मैं आपको डिटेल बताता हूँ। डिटेल ये है जी कि ईद की चार छुट्टियाँ हैं जी, तमाम प्राइवेट सेक्टर चार छुट्टियाँ करते हैं, सरकारी तौर पर तो एक वीक की भी हो जाती है, पाँच दिन की बहरहाल होती हैं, लेकिन चार छुट्टियाँ ईद की होती हैं जी कन्फर्म प्राइवेट सेक्टर्स में, और अगर बात करें जुमा साथ में मिल जाए तो पाँच हो जाती। इन चार पांच दिनों में अगर कोई भी बंदा काम करते हुए पकड़ा गया और खासकर मकतबे अमल के वो बंदा हाथ लग गया तो पर पर्सन के हिसाब से 5,000 रियाल का फाइन है जी, ठीक है। कंपनीज वाले बंदे बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर कोई आजाद काम करते हैं उन दिनों में अक्सर बंदे सब छुट्टियां करते हैं, तो कोई अगर आपको ऐसा मिल जाता है बोलता है मैं आपको 150 दिहाड़ी दे दूंगा या 200 रियाल दिहाड़ी दे दूंगा मेरे साथ काम कर ले, तो आप इस लालच में चले गए तो वहां पर पकड़े गए तो आपके ऊपर 5,000 रियाल का फाइन होगा, और वो फाइन आपके कफील के नाम के ऊपर जाएगा। जब आप अपने कफील को भाई इकामे का बोलेंगे तो वो बोलेगा पहले वो 5,000 दे उसके बाद इकामे की बात करते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि मैं वो 5,000 भी नहीं दूंगा वैसे बाहर से चले जाऊंगा, तो आपको बाहर से भी नहीं जाने देंगे जब तक आप वो 5,000 पे नहीं करेंगे। तो केयरफुल रहें जी, ईद की छुट्टियों में इंजॉय करें, यही बेस्ट है। हाँ, हालांकि मुझे पता है अभी एक माह से ज़्यादा का अरसा पड़ा हुआ है, लेकिन मकतबे अमल ने अभी से आगाह कर दिया।